जनपद संभल की चंद्रौसी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर में CAA के समर्थन में मानव श्रृंखला निकाली। जनपद संभल की चंद्रौसी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में विशाल मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। इस विषय में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विशाल चौहान ने बताया कि जिस तरह से पूरे देश भर में CAA का विरोध किया गया, उसके बाद हमने लोगों को CAA के बारे में जागरूक करने के लिए मानव श्रृंखला निकाली। इस मानव श्रृंखला के दौरान हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए मानव श्रृंखला बनाई। CAA के समर्थन में दुकानदारों ने अपनी दुकानों से उतरकर मानव श्रृंखला में हिस्सा लिया। यह मानव श्रृंखला फव्वारा चौक से शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। आज हमने जो भारत सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम जो लागू किया गया था, उस संबंध में आम जनमानस, सभी युवा, छात्र, सभी लोग उसके समर्थन में एक मानव श्रृंखला बनाने का काम कर रहे हैं। और इस मानव श्रृंखला से हम देश को और विदेश को, पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत सरकार जो भी काम राष्ट्रहित में करेगी, पूरा युवा, पूरे व्यापारी, सभी आम जनमानस सब उस निर्णय के साथ खड़े रहेंगे। और हम उन सभी देशद्रोही तत्वों का विरोध करते हैं जो इस प्रकार के राष्ट्रहित के कार्यों में बाधा डालते हैं या इस प्रकार का उनमें बाधा उत्पन्न करने का काम या दंगा करने का काम करते हैं। मानव श्रृंखला में कितने लोगों के मानव श्रृंखला में पूरे जिले भर से तमाम हजारों कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं और बाजार के तमाम व्यवसायी इसके समर्थन में हैं और सभी इसमें जुड़ने का काम करेंगे, इसमें सहभागिता करने का काम करेंगे। आज आपने क्या प्रोग्राम करा है, इसको लेकर एक रैली निकाली गई है, बताइए। आज ऐसे लोगों को जिनके दिमाग में अभी तक ये नहीं आई है कि सीट क्या है, उनके दिमाग में ये भरने के लिए, उनको ये बताने के लिए मानव श्रृंखला के द्वारा कि सीए किसी के अधिकारों का शोषण नहीं करेगा, किसी को इससे कोई नुकसान नहीं है, किसी की नागरिकता इससे नहीं जाएगी। हम लोग तो उन लोगों को नागरिकता देने की बात करते हैं जिनको आज तक कभी नागरिकता अफगानिस्तान ने, बंगाल ने, पाकिस्तान ने दी नहीं और वो हमारे देश में आ गए हैं। हमारा फर्ज बनता है, हमारा धार्मिक कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों को नागरिकता देकर उनका चहुंमुखी विकास करें। वाजी बताइए, जिस तरीके से 19-20 दिसंबर को यह झड़ता हुआ था, झगड़ा हुआ था FI और एक वो है कि संगठन है, क्या है पूरा बताइए, FI संगठन क्या है, PFI संगठन क्या है, जिसका कोई बताया जा रहा है कि जो दंगा प्रसाद कराया था कोई पता उन्हीं का हाथ है या किसी और का हाथ है। देखो ऐसा है, जो पकड़े जाएंगे, जो मौके पे देखे जाएंगे, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध होंगी, चाहे वो कोई भी संगठन राजनीतिक हो और अराजकता से परिपूर्ण हो, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये तो देश को टुकड़े करने वाला था।